92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी और पैंडेमिक का वक्त है तो फेस टू फेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए यहां पर आपसे मुलाकात करने बिग स्पॉटलाइट में आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है, डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल मेरे साथ इस वक्त हैं। सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर अंशुमन, सबसे पहले आपका बिग स्पॉटलाइट में वेलकम। थैंक यू सो मच योगेश। एंड डॉक्टर अंशुमन, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताएं कि कितना एक्सपीरियंस है एंड व्हाट ऑल यू आर डूइंग। मैंने यूरोलॉजी करियर बहुत पहले ही टेकअप कर लिया था ड्यूरिंग माय अर्ली इयर्स ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग। सो जब जैसे हम लोग MBBS करते हैं उसके बाद MS करते हैं यूरोलॉजी करने के लिए, फिर एक आपको MCH भी करना पड़ता है, तो MBBS तो मैंने 1988 में शुरू किया था। बट देन आई टुक यू नो फर्दर नो करियर इनटू जनरल सर्जरी जो कि मैंने 1994 में शुरू किया, एंड यूरोलॉजी वॉज अ पार्ट ऑफ जनरल सर्जिकल ट्रेनिंग जिस इंस्टीट्यूशन से KGMU लखनऊ से जहाँ से मैंने अपने बेसिक ट्रेनिंग और MS सर्जरी किया, तो वहाँ पे यूरोलॉजी वॉज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। सो तभी से मेरी यूरोलॉजी में रुचि बनी रही एंड आई डेवलप्ड अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट, एंड देन आई डिड फर्दर MCH व्हिच इज द सुपर स्पेशलाइजेशन इन यूरोलॉजी फ्रॉम जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। दिस इज अ पैरेलल ऑफ एम्स इन साउथ व्हिच इज इन पॉन्डिचेरी, सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज जिपमर पॉन्डिचेरी। तो वहां से करने के बाद देन आई केम टू दिल्ली एंड आई स्टार्टेड माय करियर विद यू नो डिफरेंट हॉस्पिटल्स। इनिशियली आई वाज विद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट, देन आरजी स्टोन एंड फोर्टिस, नाउ फाइनली फॉर द लास्ट 8 years यू नो आई एम विद अपोलो। सो अ लॉट हैज पास्ड ड्यूरिंग दीस लास्ट 20 years इज द टाइम यू नो आई स्टार्टेड डूइंग यूरोलॉजी really practice and entered urology 1994-95 and now it's like you know near more than 2 decades since that time. So a lot has changed over these you know 2.5 decades. You'll be surprised to know ki jo main padh ke nikla tha wo seldom practice hota hai aaj ki tarikh mein. Totally it has been a different you know a very exciting journey ki jo padh ke nikle wo kabhi wo theek hai wo basics to hai hain, that is your groundwork, that is your you know your basics and उसी के ऊपर आपने स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, जो आपकी नींव है उसी के ऊपर इमारत खड़ी होती है। बट बहुत चेंज हो गया। बीच में 2 बार मैं US भी गया, 1 बार फ्रांस गया फॉर फर्दर ट्रेनिंग्स, यू नो स्मॉल स्मॉल ट्रेनिंग्स जो कि आप अपने बिजी प्रैक्टिस स्केड्यूल में से निकाल के आप कहीं भी जा सकते हो। बट देन यू नो ऑलवेज आई हैव बीन ट्राइंग टू अपग्रेड माई स्किल्स एंड माई नॉलेज, यू नो एंड एज आज की तारीख में आई फील वेरी गुड इन सेइंग और फील वेरी प्राउड इन सेइंग दैट देयर इज नो टेक्नोलॉजी जो भी हम लोगों ने मास्टर नहीं कर रखी। हमारे देश ने बहुत तरक्की करी है इन द मेडिकल फील्ड एंड डॉक्टर्स ऑल ओवर आज की तारीख में, बिकॉज अब एक्सेस भी बहुत ज्यादा है। जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी तब उतनी एक्सेस नहीं थी, तो आज की तारीख में एक्सेस इज वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी इजी, यू नो फेयरली वेरी वेल ट्रेन डॉक्टर्स आर देयर इन आवर कंट्री एंड यू नो आई फील प्राउड टू बी अ मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ दिस कंट्री। परफेक्ट। तो आप थोड़ी सी आपके पूरे एक्सपीरियंस का हम फायदा उठाना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल। जो हमारा आज का टॉपिक भी है वो BPH है, तो सबसे पहले मेरा सवाल जो है आपसे ये है कि प्रोस्टेट क्या है, क्योंकि ये टर्म उसी के सापेक्ष में पूछी जाती है, तो प्रोस्टेट क्या है? तो बेसिकली आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि मैं काम में अभी फंसा रहा और इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इंटरव्यू फ्रॉम होम आई एम सिटिंग राइट इन माय ऑफिस, और मैं अभी भी लास्ट पेशेंट देख के फ्री हुआ हूं। सो दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू शो यू अ मॉडल। सो दिस इज अ मॉडल ऑफ द यूरिनरी सिस्टम जो कि लोअर यूरिनरी ट्रैक कहलाता है। Up now, this is the bladder. Can you see it? So this is the urinary bladder. This is the prostate, which sits at the base of the urinary bladder. And then through the prostate, the urinary pipe. You can see this is the male external genital organ. And so this is the urinary pipe that is going through the prostate. So now what happens with age? In all, actually, prostate, ek aur important baat hai ki this is an organ present only in men. इसका लेडीज से कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि उनको भी इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट प्रोस्टेट आदमियों में ही होता है, लेडीज में नहीं होता है। तो प्रोस्टेट जो होता है एक ऐसा ऑर्गन है जो भगवान ने आदमी को दिया है, जो कि उम्र के साथ जब इंसान में सारी फैकल्टीज रिड्यूस होती है तो ये उम्र के साथ बढ़ता है। तो जहां आदमी की हाइट कम हो रही है, उसके बाल कम हो रहे हैं, उसके दांत कम हो रहे हैं, उसका बोन कम हो रहा है, बट प्रोस्टेट बढ़ रहा है। तो प्रोस्टेट बढ़ने से क्या होता है, इसके थ्रू ही यूरिनरी पैसेज जा रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर ये बढ़ेगा तो ये यूरिनरी पैसेज को कंप्रेस करेगा। तो जैसे कोई पाइप है और उसके ऊपर आप कुछ वजन रख दें तो उस पाइप के अंदर जो फ्लो ऑफ वाटर है, जो फ्लो ऑफ यूरिन है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो प्रोस्टेट जो है वो यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ यूरिन बाय बिनाइन प्रोस्टेटिक, जो नॉर्मल जो कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, यानी कि प्रोस्टेट का नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट
ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द प्रोस्टेट इन मेन ओवर 50 होती है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा डिजीज की जो कॉमन कंडीशन है वो कौन कौन सी है इन केस ऑफ प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट की जो परेशानियां है वो हर उम्र में पाई जाती हैं। हर उम्र से मतलब है कि आई वुड से 30s, सिंस द टाइम अ यंग मैन बिकम सेक्सुअली एक्टिव, 25, 30, 28, इस तरह से। तो इनिशियल एज ग्रुप में प्रोस्टेट के इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, या किसी ने कुछ थोड़ा सा लापरवाही बरती है और उसको प्रोस्टेट में इन्फेक्शन ट्रेवल कर गया थ्रू द यूरिनरी पाइप। इसी यूरिन पाइप के जरिए प्रोस्टेट में इन्फेक्शन जाता है और वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स जनरली, जिसको हम लोग प्रोस्टेटाइटिस एक्यूट या क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम प्रोस्टेट की यंग एज में होती है। फिर मिडिल एज में जो प्रॉब्लम आती है उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज अगेन प्रोस्टेटाइटिस कैन हैपन इन दैट एज ग्रुप आल्सो। हर एज ग्रुप में प्रोस्टेटाइटिस हो सकती है, लेकिन मिडिल एज ग्रुप में जो कॉमन आती है वो इनलार्जमेंट की आती है। जब प्रोस्टेट इनलार्ज होने लगता है और इनलार्जमेंट की वजह से वो पेशाब के फ्लो को रुकावट करता है तो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, जो प्रोस्टेट की वजह से होता है। तो मिडिल एज में वो आती है। ओल्डर एज में भी प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट चूंकि प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है तो वो प्रोस्टेट बढ़ता चला जाता है, कई बार उसमें कैंसरस कन्वर्जन भी हो जाते हैं। तो जो प्रोस्टेट का बिनाइन होता है पार्ट वो बिनाइन ना होकर कैंसर प्रोस्टेट कहलाने लगता है। कैंसर प्रोस्टेट कैन हैपन एनी एज, यूजुअली वी सी इट आफ्टर द एज ऑफ 45, 50, अगर किसी की फैमिली में है तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, बट जनरली मिडिल एज एंड ओल्डर एज में प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। तो प्रोस्टेट की बीमारियां बेसिकली तीन तरह की, इन्फेक्शन, इनलार्जमेंट, कैंसर, तीन तरह की बीमारियां प्रोस्टेट की। जी, आपने एक टर्म का जिक्र किया और हमारी जो बातचीत का मुद्दा है वो है बीपीएच। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि व्हाट इज बीपीएच। तो बीपीएच जो है ये प्रोस्टेट का नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया। इट स्टार्ट्स बहुत ही छोटी स्टेज में स्टार्ट होता है 40s में और धीरे 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 प्रोस्टेट बढ़ता चला जाता है। और ये किसी भी साइज को अज्यूम, जैसे प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट अराउंड 20 grams होता है, 20-25 मान लीजिए, बट ये 200, 300, 400, 500 ग्राम तक का भी इनलार्ज कर सकता है। और जब इतना बड़ा प्रोस्टेट हो जाता है तो पेशाब को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है या इन्फेक्शन कर सकता है या किडनी डैमेज कर सकता है या ब्लीडिंग कर सकता है। जी, तो बेसिकली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट इज कॉल्ड एज बीपीएच। जी, लेकिन बात करें अगर बीपीएच की तो बीपीएच होता क्यों है किसी को नहीं मालूम। मैंने बताया कि ये एक तरह का आदमियों के अंदर चेंज है जो विद एज होता है। एग्जैक्ट कॉज फॉर बीपीएच तो किसी को नहीं मालूम है, और अगर ये शायद कॉज पता भी चल जाता तो आज तक हम लोग शायद इस प्रॉब्लम को रिवर्स भी कर पाते। जी, बट जी हमारे पास ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो बीपीएच को रिवर्स कर सकती है, बट वो बहुत 100% कामयाब नहीं है। बट ऐसी दवाइयां आती हैं, बट एग्जैक्ट कॉज ऑफ बीपीएच इज स्टिल नॉट नोन। वी जस्ट नो दैट कि इट विल स्टार्ट एनलार्जिंग आफ्टर द एज ऑफ 40-45 इयर्स, इट विल स्टार्ट टू एनलार्ज। ऑलराइट, तो सवाल ये उठता है कि कुछ सिम्टम्स जो कि बीपीएच से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो सिम्टम्स जो होते हैं बीपीएच से जुड़े हुए सिम्टम्स या प्रोस्टेट की किसी भी, इनफैक्ट कैंसर से भी जुड़े हुए वही सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम आता है कि किसी भी इंसान को पेशाब करने में टाइम ज्यादा लगता है, उसको स्टार्ट करने में भी टाइम लगता है। कि अगर वो पेशाब को रोक के, मान लीजिए मीटिंग से निकला बाहर, अब वो यूरिन करने गया तो उसका यूरिन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। उसको एक मिनट लग गया, 25 सेकंड लग गए, 30 सेकंड लग गए उसको यूरिन को स्टार्ट करने में। फिर यूरिन स्टार्ट होता है तो फिर स्टार्ट होके चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप एंड स्टार्ट या इंटरप्टेड यूरिनेशन। या उसको यूरिन लगता है तो इतनी जोर से लगता है कि वो कपड़ों में ही निकल जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाता, कुछ ड्रॉप्स उसके कपड़ों में निकल जाते हैं। या यूरिन करने के बाद वो खड़ा रहता है और बहुत देर तक धीरे 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 यूरिन चलता रहता है। या रात में उसको बार बार उठ के यूरिन करने के लिए जाना। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स बीपीएच के होते हैं। अच्छा, जो सिम्टम्स आपने भी बताए, अगर इनमें से मैं मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम की बात करूं तो वो कौन सा होगा? दो बहुत ट्रबलसम सिम्टम्स होते हैं। एक तो जब इंसान अपने पेशाब को रोक नहीं पाता, उसको कपड़ों में निकलना शुरू हो जाता है तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि वो कहीं भी मार्केट में या मीटिंग में नहीं वेट कर पाता कि उसको कपड़ों में पेशाब निकलना शुरू हो गया। एक तो वो बहुत एम्बैरेसिंग सिम्टम है। दूसरा जो सिम्टम है, जो रात में बार बार उठ के पेशाब करने जाना पड़ता है, मान लीजिए कि किसी को रात में 4 बार उठना पड़ गया यूरिन पास करने के लिए, तो उसकी तो पूरी रात खराब होगी। एक बार सोया फिर उठा, फिर सोया फिर उठा, तो कई बार हो सकता है दूसरी बार उठने के बाद उसको नींद ही ना आए, तो फिर वो सुबह उठेगा तो उसका सर भारी है, उसकी आंखें भारी है, उसका दिमाग काम में नहीं लगेगा, तो इरिटेटेड रहेगा वो पूरे। तो ये दो सिम्टम्स हैं कि जिसमें कि चलो स्लो फ्लो तो हर आदमी टॉलरेट कर लेता है कि चलो धीरे धीरे पेशाब आ रहा है, धीरे धीरे कर लिया। लेकिन जिसका कपड़ों में निकल गया
और जिसको रात में बार बार उठना पड़ा, तो ये दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा बॉदर करती। जी, तो कुछ अगर बात करें हम, किसी इंसान को सपोज बीपीएच है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं, किस तरह से सही हो सके। जी एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम नो ट्रीटमेंट टू सर्जरी, तो ये देयर इज अ होल रेंज ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे आज ही मेरी ओपीडी में पेशेंट आया, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप था, उसमें बीपीएच पकड़ा गया कि भाई इनको बीपीएच हो रहा है। तो मैंने उनको समझाया, पूछा उनसे आपको यूरिन की क्या परेशानी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे रात में दो बार उठना पड़ता है। मैंने कहा आप रात में सोने से पहले क्या करते हैं, कहते हैं मैं एक गिलास दूध पीता हूँ, एक गिलास पानी पीता हूँ। मैंने कहा इसको आप कम कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रात में पानी पी के सोएंगे तो भाई आपको एक आध बार तो उठना पड़ सकता है विद द पैसेज ऑफ ईयर्स, है ना। तो जो इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच है, चूंकि बीपीएच हम खत्म तो कर नहीं सकते, इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, ना ही हम प्रोस्टेट की ग्रोथ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। तो इनिशियल ट्रीटमेंट इज कि अगर हम सिम्टम्स को मैनेज कर सके, और इनिशियल ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों में किया जाता है जिसमें कि या तो सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, जिनका बॉदर ज्यादा नहीं होता है, एंड पेशेंट को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि उसकी किडनीज पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, उसका ब्लैडर नहीं डैमेज हो रहा। इन लोगों में हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, कि रात में सोने से पहले आप फ्लूइड न लीजिए, चाय कॉफी ज्यादा मत लीजिए, अपने यूरिन को पोस्टपोन मत करिए। तो ये सारे एक अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स है विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी मेडिकेशन और एनी सर्जरी। बट लेटर एज द डिजीज प्रोग्रेसेस, जबकि हमें लगता है कि हाँ भाई इस पेशेंट को प्रोस्टेट से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फिर हम दवाइयां दे सकते हैं जिसमें कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए मेडिकेशन है और प्रोस्टेट को श्रिंक करने के लिए भी मेडिकेशन है। अगर पेशेंट इन सबसे भी ऊपर निकल जाता है कि भाई उसको दवाओं से भी फायदा नहीं हो रहा, उसको ना सिम्टम मैनेजमेंट से फायदा हो रहा, ना उसको ऑब्स्ट्रक्शन में फायदा हो रहा, दवाओं से बार बार इन्फेक्शन हो रहे, तो फिर उसको सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी जो प्रोस्टेट की होती है उसमें कोई कट स्टिच बॉडी के ऊपर नहीं आता, जो बीपीएच की सर्जरी होती है वो लेजर के द्वारा हम लोग पेशाब के रास्ते से ही करते परफेक्ट परफेक्ट। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस हैं। तरह अभी कोविड पेंडेमिक का वक्त चल रहा है, तो कुछ खास तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए इस वक्त में। देखिए कोविड पैंडेमिक चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, सब लोगों को अपने घर पे रहना चाहिए जहां तक भी संभव हो, बहुत ही जरूरत समझे तो ही घर से बाहर निकले, प्रिकॉशंस लें, सब कुछ करें, लेकिन नजरअंदाज भी ना करें। आज मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे पास दो ऐसे पेशेंट्स आए जो कोविड पैंडेमिक के चक्कर में, एक तो लेडी की किडनी चली गई बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन एंड इन्फेक्शन, उनको फंसा रहा स्टोन, वो घर से डर के मारे में भारी दर्द की दवाइयां खा खा के उनकी किडनी फेल हो गई एक साइड की। एक साइड की भगवान ने दो देके भेजी है, तो एक बची हुई, एक फेल हो गई। एक और पेशेंट जो बीपीएच लेके और जिनका पेशाब रुका हुआ था, किसी तरह से वो अपना काम चला रहे हैं, 6 महीने के बाद घर से निकले तो पता लग रहा है कि भाई किडनीज में बैक प्रेशर से चेंजेस हैं। तो आप ये देखिए कि आपको ऐसा ना हो कि कोविड तो किसको होगा किसको नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको पहले से मालूम है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स होती है, बीपीएच होता है, इससे किडनी खराब होती है। तो अगर आपको सिम्टम्स है तो आप बेसिकली और कुछ नहीं तो किसी से ऑनलाइन कंसल्टेशन ही कर लीजिए। आज की तारीख में ये वैलिड है, गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया हुआ है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स है जहाँ पे आप जाके अपना बेसिक से अल्ट्रासाउंड, किडनी फंक्शन टेस्ट, पीएसए वगैरह जैसे सिंपल टेस्ट करवा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर को। तो ऐसा है कोविड के चक्कर में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनको नेग्लेक्ट मत करिए, अपना ध्यान रखिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए, बट डोंट नेग्लेक्ट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स दैट आर ऑलरेडी देयर इन दिस एरा आल्सो। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अंशुमन Thank you for talking to us, doing this, and once again, thank you for joining us in the Big Spotlight.